पवन सिंह का गाना सड़िया बुलुकिया डिलीट। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। हाल ही में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के एक बहुत ही जबरदस्त और बवाल गाने को आप सभी के बीच रिलीज किया गया था, जिस गाने का नाम था सड़िया बुलुकिया। पवन सिंह का ये गाना रिलीज होते ही पूरी तरह से बवाल और धमाल मचा रहा था, क्योंकि पवन सिंह के इस गाने पे पर डे 2 मिलियन व्यूज मिलना शुरू हो गया था। लेकिन पता न इस गाने पे किसकी नज़र लग गई और पवन सिंह का ये गाना अब डिलीट हो चुका है यूट्यूब से। जी हाँ दोस्तों, गाने पे स्ट्राइक मार दिया गया है। वीडियो के लिंक पे क्लिक करने पे कुछ इस तरह से लिख रहा है कि दिस वीडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल ड्यू टू ए कॉपीराइट क्लेम बाय मंजीत निराला। मंजीत निराला ने इस वीडियो पे कॉपीराइट दिया है। हालांकि इन्होंने क्यों दिया है, किस लिए दिया है, ये तो मुझे पता नहीं। हो सकता है इस गाने में किसी का ट्यून चाहे कुछ भी यूज किया गया है, इसी वजह से इस गाने पे कॉपीराइट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस गाने में किसी का मटेरियल यूज किया गया होगा विदाउट परमिशन के, इसी वजह से इस गाने पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया गया है। और अभी तक पवन सिंह के टीम द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है गाना क्यों डिलीट हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा हमको शक जैसा भी लग रहा है, कॉपीराइट क्लेम बाय मंजीत निराला जो दिया हुआ है यहाँ पे किसी कंपनी का नाम होना चाहिए था, यानी यहाँ पे किसी म्यूजिक कंपनी का नाम होना चाहिए था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा शक हो रहा है कि ये फेक कॉपीराइट स्ट्राइक भी हो सकता है। अगर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक होगा तो गाना 4-5 घंटे के अंदर में आ जाएगा। अगर ओरिजिनल कॉपीराइट स्ट्राइक होगा तो फिर से पवन सिंह को गाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसमें चेंज करना पड़ेगा, री अपलोड करना पड़ेगा। बाकी पवन सिंह का ये गाना बहुत ही अच्छा चल रहा था, अगर ये गाना खुल भी जाता है यानी आ भी जाता है तो समझिए गाने का रीच डाउन हो गया। हाँ तो दोस्तों, ये भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का बड़ा अपडेट आप सभी को कैसा लगा मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।